नीवा शहर में एक माँ ने दोनों पैरों से लाचार होने के बाद भी अपने जज्बे को कायम रखा और परिवार का भरण पोषण किया। इस महिला के जज्बे को आज समूचा शहर सलाम कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के भगवानपुरा चौराहा निवासी अनीशा देशवाली की। अनीशा ने आज से ठीक 17 साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। जिस समय ये दुर्घटना हुई थी उस समय उनके 3 बच्चों की जिम्मेदारी उन पर थी और इस भयानक हादसे ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था। लेकिन अनीशा ने हिम्मत नहीं हारी। दोनों पैर नहीं होने के बाद भी अनीशा ने अपने जज्बे को कायम रखा और ब्यूटी पार्लर का संचालन कर बच्चों की परवरिश की। आज उनके 3 बच्चे माँ की मेहनत से कामयाबी छू रहे हैं। वहीं अनीशा भी जरूरतमंद बालिकाओं को मेहंदी, सिलाई सहित अन्य तरह का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही है और इसी के रूप में वे आज समाज सेवा कर रही है। वहीं जब हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने उनसे चर्चा की तो वे क्या कुछ बोली, सुने इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कंट्री। कहते हैं ना कि पुराने लोगों की कहावत है कि माँ कभी भी जो है अपने बच्चों के लिए अपनी जान पे खेल जाती है, खुद गीले में सोती है, बच्चों को जो है सूखे में सुलाती है, खुद भूखे रहती है लेकिन बच्चों को अच्छा खिलाती है। ऐसा ही एक माजरा आज हमारे सामने आया है जिनका 17 साल पहले अजमेर से आ रही नीमच आ रही ट्रेन के कारण हादसे में दोनों पैर गंवा देते हैं। उसके बाद से जो है इनका जीवन संघर्ष से शुरू हुआ। इन्होंने अपने 3 बच्चों को कैसे पाला, आइए जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनीशा देशवाली। बात करते हैं इस पूरे मामले में, इनका क्या कहना है। अनीशा जी बताइए कि जब से आपके पैर आपने गंवाया आज से 17 साल पहले, क्या संघर्ष रहा, कैसे आपने अपना जीवन व्यतीत किया। देखिए, मेरा 2005 17 अगस्त में एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त मेरी मात्र 28 एज थी, 28 वर्ष मेरी एज थी और मेरे बच्चे जो सबसे छोटा बेटा था वो 4 साल का था, उससे बड़ा वाला 6 साल का था और बेटी 9 साल की थी। तो जिस वक्त मेरा हादसा हुआ उस वक्त मैं जिंदगी और मौत से खेल रही थी। बाकी मुझे मेरे बच्चों के चेहरे सामने आ रहे थे कि अगर मैं अगर मर जाती हूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तो सडनली जैसे ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर से ये कहते हैं तुम्हारे दोनों पैर निकालना पड़ेंगे, उस वक्त मेरे कोई साइन करने वाला, सिग्नेचर करने वाला भी नहीं था। तो ये देखिए कि मैंने खुद ने सिग्नेचर करे और ये बोला कि अगर मुझे जीवन मिलता है मेरे बच्चों के खातिर तो मैं अपने दोनों पैर कटवाना चाहती हूँ। मेरे दोनों पैर कटे, उसके बाद में मेरा 6 महीने तक इलाज चला। मुझे कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई सहायता नहीं मिली, मतलब काफ़ी गरीबी हालत थी हमारी। मेरे हस्बैंड मजदूरी करते थे और उनके साथ मैं भी सीमेंट की टंकी, जाली वगैरह बनाती थी, तो हम हमारा घर का पालन पोषण कर रहे थे। तो फिर घर आने के बाद में ये देखिए कि उसके बाद में हम कर्ज में बिल्कुल डूब चुके थे। बाकी यही है कि हिम्मत रख के, और मैंने पार्लर का काम करती थी, पार्लर चलाया और सिलाई की और बच्चों को भी कोचिंग क्लासेस लेती रही मैं। और उसी बीच मैंने मतलब गरीब बच्चियों के लिए मतलब यही सोचा कि जीवन है, जीवन के अंदर इंसान के अंदर गरीबी अमीरी मतलब ये दौर आता रहता है। तो मैंने उसी दिन से मतलब संघर्ष लिया, मतलब ये सोचा कि मैं गरीब बच्चों को फ्री सेवा दूंगी। आज 17 साल से मैं बच्चों को फ्री सेवा देती हूँ, उसके अंदर सिलाई, मेहंदी, पार्लर और फ्री मतलब पढ़ाती हूँ। जिस तरह से देखा गया कि आपने संघर्ष करके बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखाया, शादी भी की, प्रशासन की तरफ से आपको किसी प्रकार की आज तक कोई मदद नहीं मिली। नहीं मिली आज तक कोई मदद नहीं मिली, ना ही मेरी अभी तक कोई पेंशन है, कोई मदद नहीं। मैंने बहुत काफ़ी चक्कर काटे, अब मेरा हो रहा है मतलब काम कि हाँ मेरी पेंशन वगैरह बनने का, वो भी मैं अब लोगों का कराने लगी हूँ। मतलब मैं खुद, क्योंकि मुझे जब सहायता नहीं मिली तो मैं आगे बढ़ी और एक समाज सेविका बन गई। मैं देशवाली कौम के अंदर आज एक समाज सेविका का काम कर रही हूँ, उसके अंदर गरीब बच्चों का विवाह करवाना ये भी करती हूँ मैं, जिनका कोई नहीं होता है, जो हमारा देशवाली मदद फाउंडेशन है तो उसके द्वारा मैं उन लोगों को बताती हूँ कि ये गरीबी मतलब वर्क है तो आप इनका सपोर्ट करो। उसमें हम मंथली मतलब 100 रुपये मंथ मतलब हमारी कौम देती है, तो उसमें गरीब इंसानों की मदद करते हैं। और नीमच में मैंने एक गरीब बच्ची का विवाह करवाया है। अगर देखा जाए, हम बात करें कि जैसे जिस तरह का सेविका आप कर रही हो, कितने जिले की में जो है आप सेवाएं देती हैं, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं, तो गरीब माँ बाप की दुआएं कितनी मिलती है आपको। काफ़ी बहुत ज़्यादा दुआएं मिलती है और उसमें रिस्पेक्ट, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे मतलब मेरी रिस्पेक्ट के लिए ही जहाँ मेरी चेयर लगी रहती है वहाँ मजमा लग जाता है। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लगता है कि मेरे
खुशी के आंसू बहने लगते हैं कि मैंने जो एक शरीर के अंग होने पर मैंने जो इज्जत नहीं कमाई, वो मेरे शरीर के अंग खत्म होने के बाद में मैंने ये इज्जत को कमाया है। और इंशाल्लाह मैं जिंदगी भर ये करती रहूंगी, जब तक मेरे जिस्म में जान है, गरीब बच्चियों के लिए और ओल्ड हाउस जो कि अपने नीमच में है वहां पे भी मैं उनों की सेवा के लिए जाती रहती हूँ और जो मुझसे बन पड़ता है मतलब वो मैं करती हूँ। ऐसे कई मामले देखने में आते हैं जब एक महिला सेल्फ डिफेंस से अपनी जिंदगी जीती है। अभी देखने में आता है कि कई महिलाएं परेशान हो जाती है, आत्महत्याएं कर रही हैं। कई जैसे आज जो आपने अभी तक ये अपने 17 सालों में संघर्ष किया, तो उन महिला के लिए कहना चाहेंगे जो सेल्फ डिफेंस खो देती हैं, आत्महत्याएं करती हैं, अपने आप को मजबूती से नहीं जी पाती, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान शारीरिक अगर विकलांग होता है या शारीरिक अगर प्रताड़ित हो रहा है तो बाकी अपन मानसिक ना हो, मानसिक मतलब कि मानसिकता उन्होंने ये बना ली कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ या मेरे साथ प्रताड़ना करे, तो उस चीज का अपन संघर्ष का सामना करें, ना कि अपन ये सोचे कि मैं आत्महत्या कर लूँ। आत्महत्या करने के बाद में जो पिछड़ा अपना परिवार रहता है, जैसे पेरेंट्स रहते हैं या बच्चे रहते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है और जीवन भर परिवार को ही सुनने को मिलता है कि आपकी बेटी ने या बेटे ने ऐसा कर लिया। मैं तो यही कहती हूँ कि बेटा भी ना करे ऐसा और जीवन का सामना करे, मतलब तो सारी परेशानियां मतलब दूर हो जाएगी, ना कि आत्महत्या ही सब कुछ नहीं है। मैंने भी सोचा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब के मैं भी एक ऐसा इंजेक्शन लगवा लेती हूँ जिससे मुझे मौत मिल जाए तो अच्छा है। बाकी जब जयपुर महावीर विकलांग संस्था में गई मैं और वहां पर देखा कि दुर्घटनाग्रस्त जिन्हों के पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो लोग आज वहां पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को देखकर मुझे हिम्मत आई और मैंने ये सोचा कि अपनों ने सिर्फ पैर गवाया, अपना माइंड वही है, अपने हैंड वही है और अपनी सोच को मतलब बड़ी रखना है ताकि अपन सब कुछ कर सके। आज घर के अंदर मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, मतलब कोई परेशानी नहीं, घर में झाड़ू पोछा बर्तन, आज घर में गार्डन बना रखा, आपने भी देखा, इस पेड़ पौधों से भी बड़ा लगाव है मेरे को और मतलब सभी कर लेती हूँ काम घर के अंदर। और आज तो बच्चे बड़े हो गए, तो एक बच्चे की छोटी सी एक बाहर आपने देखी होगी, वो मेरी मतलब देख रेख के हिसाब से ये दुकान बना रखी है उसकी, ताकि ये मेरी मुझे भी देखता रहे कि माँ की तरफ मतलब आता जाता रहे। तो एक छोटी सी दुकान बना रखी, एक छोटा बेटा है तो वो मार्केट में करता है जो। और बेटी जो आपकी थी वो उसका क्या हुआ? उस बेटी की शादी कर दी हमने, बेटी की तो शादी 2012 में कर दी थी। अगर हम बात करें आपकी जीवन शैली की, तो एक बहुत लंबा सफर जो है विकलांगता के तहत आपने अभी तक तय किया है, ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे परिवार की तरफ से मदद मिलने की तो दूर, सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली, तो परिवार वालों ने भी साथ नहीं दिया, ऐसा भी सुनने में आता है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही है, हमारा भाई था हमारे सपोर्ट में और मेरी मदर थी, बाकी इसके अलावा परिवार में और भी थे पैसे वाले, बाकी कोई आगे नहीं आया, यहाँ तक कि हमसे कटने भी लगे थे लोग। और सर मेरा तो एक ही भाई है, मतलब हम तीन बहनों के अंदर फादर भी है नहीं, बस वही हमारे साथ भागदौड़ करता रहा मेरे हस्बैंड, बाकी कोई फैमिली का ऐसा कोई मेंबर नहीं आया कि हम सपोर्ट करें। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस वक्त मैं अजमेर गई थी उस वक्त मेरे पास किराया भी नहीं था, मेरे हस्बैंड वो 500 रुपये भी ला के दिए थे, वो किसी से उधार ला के दिए थे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं वहाँ सलाम करने के लिए गई थी वहाँ। तो क्या कहेंगे आप ऐसे अनाथ बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं होते, जिनका परिवार नहीं होता, उनको आप सिलाई सिखाती हो, मेहंदी सिखाती हो, और ऐसे लोगों को क्या मदद समाज सेवी संस्था को आगे आना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से अगर मुझे कोई लाभ मिलता है तो मेरे लिए मतलब ऐसा मतलब कुछ बना दे जिसके अंदर मतलब मेरी भी जॉब मिल जाए और मैं गरीब बच्चों की मतलब हमेशा मतलब सिलाई मेहंदी पार्लर और ये होम डेकोरेशन भी मतलब सारे हुनर आते हैं मुझे, पहले से ही आते हैं, बाद में नहीं सीखे, तो मैं उनको सिखाती रहूं और गवर्नमेंट मुझे कोई लाभ दे ताकि मेरा भी घर का गुजर बसर मतलब सही से चलता रहे। तो ये थी हमारे साथ अनिशा देसवाली, जिन्होंने बताया कि जिस कदर 17 सालों से मैंने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद जो ऐसे कई समाज सेवा मैंने काम किए, कई बच्चों के अनाथ बच्चों के विवाह भी मैंने कराए हैं, और आगे भी मुझे अगर सरकार या गवर्नमेंट कोई सुविधा देती है तो मैं जिंदगी जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क सेवाएँ करती रहूँगी। वाइस ओलंपिक के लिए मुश्ताक अली शाह की ये स्पेशल रिपोर्ट।